नमस्कार दोस्तों, सर्दियाँ आते आते पालक, सरसों, मेथी जो होते हैं, इनमें हमारे जो ये पौधे होते हैं इनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं या फल बनने, ये जो बीज आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये पालक है, आप देख सकते हैं इसकी बालियाँ इसमें आनी शुरू हो गई हैं। बीच बीच में जो पहले शुरू में दो चार आ रही थी तो वो मैंने काट दी, लेकिन अब इसमें पूरे में ही बालियाँ आ गई हैं। इसका मतलब है कि इसका सीज़न अब ख़त्म हो चुका है, इसका टाइम पूरा हो चुका है और अब क्या होगा कि ये इसके ये जो बीज हैं ये बन जाएंगे। अगर अब बीज बनेंगे तो बालियाँ रहेंगी तो इसके जो पत्ते हैं वो छोटे रहेंगे। आप देख सकते हैं जितने बड़े बड़े पत्ते पहले आ रहे थे पालक में, वैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने इसको कई बार, एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार इसमें से हमने पालक लिया है और अब इसका फाइनल हार्वेस्टिंग का टाइम है। अगर तो आपको बीज बनाना है फिर तो आप इसको रख सकते हैं बालियों को, तो कुछ समय बाद ये बालियाँ जो है धीरे धीरे अभी ग्रीन हैं, फिर इनके बीज मोटे हो जाएंगे और ये ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे और उस टाइम इसको हाथ से मसल के आप अपने बीज नेक्स्ट सीजन के लिए कलेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीज नहीं बनाने हैं तो फिर आप इसको जड़ से उखाड़ें। इसके पत्ते जो हैं वो हम रख लेंगे सब्जी के लिए और फिर इस मिट्टी को आप सुखा के दूसरे जो पौधे होंगे उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना सारा ये पालक है, इसके सारे पत्ते मैं निकालूंगी। आप देख सकते हैं पत्तों का साइज़ बहुत छोटा है क्योंकि जब बीज बनता है तो वो पूरा न्यूट्रिशन उसमें चला जाता है। बीज बनते हुए पूरा न्यूट्रिशन बीज बनाने में पौधे का चला जाता है और पत्तों के साइज़ जो है वो छोटा होता है और हम जो पालक है उसको पत्तों के लिए ही उगाते हैं, पत्ते पालक के यूज़ करते हैं सब्ज़ी के लिए। तो ये एक दिन का पूरा इसमें काफ़ी सारे पालक निकल जाएगा। तो ये दूसरी क्रैट है, इसमें भी आने लगे हैं, इसके भी पत्ते छोटे हो रहे हैं और इस टाइम में उसकी रंगत भी थोड़ी कम होने लगती है, उतने ग्रीन नहीं रहते क्योंकि सारा न्यूट्रिशन बीज बनने में चला जाता है। तो इसके सही समय है कि इसको जड़ से आप उखाड़ो और इसके पत्ते कलेक्ट करके सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लें और इस मिट्टी को फिर आप दूसरे पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आप दोबारा भी बो सकते हैं अगर आपके पास सेमी शेडेड या शेडेड एरिया है। पालक हो जाता है क्योंकि अभी थोड़ी ठंड है, ठंड में अच्छे से जर्मिनेट होता है। एक बार जर्मिनेट हो जाएगा तो फिर हो जाता है, गर्मियों के लिए थोड़ा थोड़ा पालक भी मिलता रहेगा। लेकिन ये जो पालक है इसको आप ज़्यादा दिन नहीं चला सकते, इसका इतना ही समय होता है, 3 महीने में ही ये ख़त्म हो जाता है। अगर बीज आना शुरू हो गया तो फिर आप उससे ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते नहीं ले सकते। तो ये जो मिट्टी है इसमें नीचे तक जड़ें देखिए चली गई हैं इसकी पूरी, तो पूरी मिट्टी को आप चाहें तो नीचे खुली जगह पर इसको अलट पलट करके रख दें या यहीं, क्योंकि ये चौड़े ग्रो बैग और ये क्रेट है तो इसमें मैं यहीं पे इनको अलट पलट करके रख दूंगी और इसमें हम धूप लगा देंगे। आप देख सकते हैं टोकरी भर के पूरा वो निकला है पालक, इसमें से पत्ते मैंने अलग कर लिए बिल्कुल और ये इसको भी यहीं अलट पलट कर दूंगी। इसमें जो जड़ें हैं, जो कोई फंगस बैक्टीरिया होगा वो सब इसमें मर जाएगा और दूसरे पौधे, अगले पौधे के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी।